हेलो फ्रेंड, मैं इंद्रजीत आपका स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग में। तो आज भाई जैसे कि हम सबको पता दशहरा है ना, ये सुमित भी हमारे साथ है। तो भाई दशहरा तो हम ना रावण देखने जा रहे हैं फूटता हुआ, फिर रावण का देहांत होगा, ध्यान के बोलते हैं ना। तो आज जैसे मतलब विजयदशमी, जिसमें राम ने अपने उस पर सच्चाई पे जीत हासिल करी थी, ठीक है, जो अपहरण हुआ था सीता माता का उस पर जीत हासिल करी थी। तो रावण की टुंडी में जो तीर मार के रावण को मारा था, तो आज भी देखते हैं आज तीर रावण की टुंडी में लगेगा कहाँ लगेगा, ठीक है। तो भाई देखते हैं अभी वहाँ पर कितना बड़ा रावण बना है, ठीक है। तो अभी चलते हैं जल्दी से, हम आधे रास्ते तक पहुँच चुके। हमारा कैमरे की सेटिंग हो गई थी ख़राब बीच रास्ते में रोड पर रख के कैमरा जब बनाया हमने, हम सेटिंग करी सही, उसके बाद अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट वहीं पर, ठीक है। तो आपको दिखाएंगे दशहरा ग्राउंड के अंदर कैसा रावण बना, कैसा नहीं बना, ठीक है। फरीदाबाद में सबसे बड़ा रावण यही बनता है वैसे तो भाई, और पता नहीं, अभी देखते हैं, अभी जाके देखते हैं भाई अब क्या करते हैं भाई। वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक जा रही है, कभी हमें जगह ही ना मिले वहाँ पर जाने की, तो हम जल्दी से चलते हैं, ठीक है। तो आपको ब्रेक के बाद बने रहे लगता है। तो भाई लोगों देख लो, हम जैसे कि हम जा रहे हैं रास्ते में, ठीक है, थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं रास्ता। ये हमारा क्या बोलते हैं, कौन सा फ्लाईओवर है, नहीं फ्लाईओवर नहीं है, वो है गोल चक्कर है, गोल चक्कर, ये गोल चक्कर है उसका, क्या लिखाया, मथुरा रोड ना, एक दो चौक पता नहीं यार, ध्यान नहीं है। ये गोल चक्कर है, नीलम बाटा पुल वाला तो आ गए है ना, ये बी के गोल चक्कर है, बी के हॉस्पिटल का गोल चक्कर है। अभी इस गोल चक्कर में क्या होता है, पेड़ पौधे लगा रखे हैं ऑक्सीजन के लिए, कि साइड में अस्पताल भी है भाई। हमको नहीं लग रहा यहाँ पर मिलेगी हमें पार्किंग, भाई साहब बहुत ही ज्यादा भीड़ है आज, बहुत ही ज्यादा भीड़, मतलब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम गाड़ी कहाँ खड़ी करें, मतलब जगह नहीं मिल रही है भाई, बहुत ज्यादा भीड़ है, इतनी पब्लिक दशहरा ग्राउंड में आई है, सोचा नहीं था। पर देखते हैं भाई क्या होता है। अब देखो यहाँ पानी भरा हुआ, बारिश आ गई है। एक चीज मेरे को याद आई, हनुमान जी, तो भाई एक चीज याद आ गई, रामायण में जब हनुमान जी लंका जलाने गए थे, ठीक है, जब पूछ में हनुमान जी की आग लगाई थी, लंका जला रहे थे, तो इंद्रदेव ने बारिश कर दी थी। अब बारिश करने के बाद तो भाई यूं बोला गया था कि इंद्रदेव जो है, हनुमान जी ने सवाल करा, भाई तुम बारिश क्यों करा, तू मेरी तरफ है क्या उसकी तरह, बता रहे नहीं दुखी तो हम भी हैं, अब जब हम बारिश करी है हमने तो उससे क्या तेरी आँख लग रही है क्या बुझ रही है, तो बोलता हाँ ये बात तो सही है, आँख तो लग रही है। तो भाई साहब आज भी बारिश हुई है, आज भी उस बात का सच्चाई दोहराई जा रही है जो रामायण में हुआ था ना, आज ही बारिश हुई है। अब देख तो रावण जलेगा नहीं जलेगा, भीग तो चुका होगा, भीग तो गया होगा रावण, ठीक है। तो अब देखना पड़ेगा ये जलेगा नहीं जलेगा रावण, अब आप बने रहे और देखते रहे रावण जलता है नहीं जलता। बारिश आई भी बहुत तेज थी भाई, सब जगह पानी भरा हुआ है, तो रावण देखते हैं अब क्या होता है रावण के साथ। तो भाई लोगों हम आ चुके हैं दशहरा ग्राउंड में, जैसा कि रावण हमारे झुक चुके हैं थोड़े से, ठीक है, पुलिस वाले नीचे बैठे हैं, उसकी मतलब क्या बोलते हैं छाया में रावण की छाया में बैठे हुए हैं पुलिस वाले, ठीक है, अभी तो दिखाते हैं, भाई अभी थोड़ा सा ना ये देखो, थोड़े से ना रावण झुक गए हमारे, ये मेघला बारिश में चीचड़े कैसे उड़ गए इनके, थोड़ी सी जनता आ गए, मतलब भीड़ जबरदस्ती अंदर घुस रही थी, यहाँ से रास्ता तो था नहीं, मतलब यहाँ से ना इन्होंने अपना वो बना रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर खड़ा होना जनता को क्या हुआ है ऐसा कुछ कह रही है, पर हमारे भाई ये जो है सच्चू है क्या इंस्पेक्टर है 3 स्टार वाले, तो ये गए इनके साथ साथ, तो इनकी जो टीम है वो भी चली गई, ठीक है, तो अब भीड़ को कंट्रोल कर लिया ना, भगा दिया सबको, अब आगे देखते हैं होता क्या, थोड़ी देर में रावण जलेगा, देखा जाएगा रावण कितनी देर में जलेगा, ठीक है। भाई आज बारिश बड़ी कैडी आई है, पीछे दिख रहा होगा रावण के ना, रावण झुक चुके हैं, जो भी कागज वागज लगाया था डेकोरेशन में वो सब बेकार हो चुका है, ठीक है। तो अभी चलते हैं आगे, घूमते हैं अब, दिखाते हैं सबको, ठीक है।
तो भाई लोगों बहुत ज्यादा बहुत ना बहुत तेजी भीड़ है, बहुत तगड़ी भीड़ है। यहाँ पर ना मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे झूला रहे झूला वूला, मतलब ऐसा आवाज हो रहा है, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, तभी दिखाती हूँ पास से दिखाते चलिए। ये भाई यूँ कह रहा मतलब थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा लेके क्या करेंगे इसको पूरा लेना पड़ेगा। भाई बहुत भीड़ है, हम क्या दिखाएं समझ नहीं आ रहा है। पब्लिक है भाई, चलने के लिए रास्ता नहीं है, यहाँ पर पागल हो जाएंगे हम। यहाँ पर ओल्ड में इतनी पब्लिक नहीं थी, है ना, ओल्ड तो खुद ही छोटा था, तालाब छोटा था भाई, पता नहीं भाई क्या कहते हैं। चलते आगे धीरे धीरे, ये गोलगप्पे की रेहड़ियाँ हैं, देखते हैं भाई आगे चलते हैं। तो भाई हम थोड़ी देर में आप पूछने वाले हैं जहाँ पर बड़े बड़े झूले लग रहे हैं, जो बड़े आदमियों के लिए लगते हैं, है ना, मतलब बड़े लड़कों के लिए, छोटे बच्चों के लिए नहीं। थोड़ी देर में आप पूछने वाले, पर उससे पहले ना इन्होंने खाने का प्रबंध कर रखा है रास्ते में, इतनी खाने की रेहड़ियाँ हैं, खाओ और झूले में झूलो उल्टी करो। ऐसा नहीं है भाई, अभी दिखाते हैं आगे चलते हैं थोड़ी देर। बहुत भीड़ है भाई, देखिए पता कहाँ पब्लिक वापस क्यों आ रही है, बजा रहे हैं क्या झूले से। अच्छे मजे ले रहे भाई, मजे ले रहे हैं, इनका भी लेते हैं मजे। भाई एक बच्चा तो नंगा वो गेल लेगा के तुम है, ये सेल्फी चल रही है भाई की। हम छोटे छोटे थे ना जब चलती थी ऐसे भाई, मैंने रोडों पे देखा, बस स्टैंडों पे देखा, मतलब बहुत सारी जगह देखा था हमने।
श्री राम तीर मार दे राव भाई, तीर मार रहे तीर देखो ये जला के नहीं तीर ये भाई पब्लिक जय श्री राम हनुमान जी से मिलेंगे हनुमान जय श्री राम जय श्री राम हनुमान जी बड़े हैवी गाए भाई थोड़ी देर में ध्यान होने वाला है ठीक है देखो राम जी तीर वगैरह मार रहे हैं रावण जी इस बार चुप गए हैं बस थोड़े से ये तो हनुमान जी आ रहे हैं हनुमान जी आ रहे हैं हनुमान जी हनुमान जी हाँ जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम भाई परिक्रमा लगा रहे हैं परिक्रमा लगा रहे जय श्री राम इतने तीर मार दिए पर जल नहीं रहा रावण आज तक कोई नहीं है चैनल एक बस ये देखिए ऐसे घूम रहे जय श्री राम लगाओ नारा लगाओ यार जय श्री राम जय श्री राम Thank you.
श्री राम का। श्री राम हनुमान जी और लक्ष्मण उनके साथ रहने के लिए हो चुकी है, रावण का देहांत हो चुका है। फिर भी ना क्या बोलता है, भीड़ कम नहीं हुई, भीड़ कम नहीं हुई, पता नहीं कहाँ जा रही है भीड़। हम सोच रहे भीड़ कम हो, हम भी निकले बाहर, पर भीड़ कम हो ही नहीं रही। देखना कैसे कैसी भीड़ नहीं भी बच रही है। देखो कितना डांस डांस कर रहा है। बोल अच्छा, ओ इतनी दूर जूम नहीं हो रहा ना हमारा। वाइट लगवाओ यार, क्या क्या जाए। तो भाई हम तो ये सोच रहे हैं घर जाया जाए, पर जाए कैसे, रास्ता भूल गए यार। हम रास्ता भूल गए, बंदे हमें रास्ता बता दिए। भाई हमने बहुत ट्राई करी झूले पे जाए, बहुत भीड़ लग रही है, टिकट भी नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। आवाज़ आ रही होता तुम्हारे हमारी बनाओ। हाँ ये सारे टिकट लेने के लिए खड़े हैं यहाँ पर, झूला झूलने के लिए। निकल रहे हैं घर, ठीक है ना, घर चलते हैं। निकलने भाई बहुत भीड़ है।